मुरादाबाद के कुनरकी विधानसभा से सपा विधायक हाजी रिजवान ने आज नौगावा उपचुनाव और बिहार चुनाव को लेकर भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं और ओबीसी को भी नसीहत दी है। सपा विधायक का कहना है कि नौगावा विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग के दिन पुलिस ने मुस्लिम इलाकों में वोटरों को वोट डालने नहीं दिए और वहाँ पर भी पुलिस ने महिलाओं तक पर डंडे बरसाए। भाजपा के इशारे पर पूरा चुनाव हुए हैं। वहीं बिहार में ओबीसी कई पार्टी को मिली 5 सीटों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बोले कि उनकी वजह से ही वहाँ एनडीए की सरकार बन गई है। उन्होंने मुस्लिमों के वोटरों में सेंध मारी की जिसके चलते महागठबंधन हार गया। दोनों तरफ मिली हार से सपा विधायक हाजी रिजवान कुरैशी खासे नाराज नजर आए। उन्होंने खुलकर अपना दर्द बयां किया। उनका कहना था कि देश में मुस्लिम 15 से 20% है, बिना किसी के सहारे कहीं भी सरकार नहीं बना सकते, किसी न किसी सेकुलर पार्टी के साथ मिलकर ही कुछ कर सकते हैं और ओबीसी इधर आकर क्यों वोटरों में बंटवारा करने में लगे हैं, जहां के हैं वहीं चुनाव लड़ें। सपा विधायक इतने बरसे नहीं रुके, आखिरकार वो कह ही गए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाजपा किसी को जीतने नहीं देगा। देखिए, अमरोहा में तो हम लोग जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस लोग भी हम दाएं बाएं थे और जहाँ पर जितनी बर्बरता पुलिस ने की, तमाम लेडीज़ के सर फोड़ दिए गए, पीएससी से बुलाकर दबाव बनाया गया, आरएफ वाले अलग दबाव बनाते रहे और जहाँ पर भीड़ होती थी मुस्लिम मतदाताओं की वहाँ पर खासकर जो है उनको प्रताड़ित किया जाता था और वहाँ पर उन पर दबाव बनाया जाता था। और दूसरी बात ये हुई कि जिस तरह से प्रधानों को और राशन डीलरों को पूरी तरह शिकंजा कस दिया गया कि तुम्हारी दुकान नहीं चलने देंगे और तुम्हें प्रधानी नहीं करने देंगे, इसलिए आप जो है 100-100 वोट हर हालत में हमें दें। मुस्लिम बूथों पर ये हुआ, इसका भी फैक्टर, ये भी सबसे बड़ा फैक्टर हुआ। दूसरा, ये वोट नहीं पड़ने दिया। अब जैसे नौगांव में सादात, हमारा एक नगर पंचायत है, नौगांव में सादात में पिछली बार 17,000 पोलिंग हुई थी। अब के मालूम है कितनी पोलिंग हुई? 13,000 पोलिंग हुई है मात्र। और जो है वहाँ पर इतना लठ बजाया कि मुस्लिम लेडीज़ तो बेचारी वोट डालने नहीं आई, जब फिट गई सर फट गए वोट डालने नहीं आई। इसी तरह से स्याली में हुआ, इसी तरह से आपका रजबपुर में हुआ, इसी तरह से आपका चौधरपुर में हुआ। ये तमाम जो मुस्लिम बूथ थे वहाँ पर ही पोल वाले दिन जिस तरह जितनी भी बर्बरता पुलिस कर सकती थी इतना पुलिस ने, प्रशासन ने नंगा नाच किया। नौगावा के उम्मीदवार अभी हमने कहा है कि जनता ने हमें जिता दिया लेकिन प्रशासन ने हमें हरा दिया। सही कहा उन्होंने, सही कहा उनका। मैं उनके स्टेटमेंट के साथ में जो उन्होंने कहा है अपने को संबद्ध करता हूँ और उन्होंने जो कहा वो सही कहा है कि जनता ने तो वोट डाला और उसके बाद जो है जनता पिटती भी रही लेकिन फिर भी वोट डालती रही इतनी, और उसके बावजूद भी जो है वो चुनाव जीत रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है शुरू से बढ़त बनाए हुए थे, बीच में डाउन हुए, फिर लास्ट में पूरी बढ़त बनाए हुए थे और उसके बाद में हरा दिया गया। बिहार चुनाव को लेकर के 5 सीटें ओबीसी की निकली आई है। देखिए, बिहार चुनाव में तो क्या नाम है, पूरा सीधा सब आपके सामने है। बिहार चुनाव में जिस तरह धांधली हुई, कांग्रेस का कैंडिडेट जो थे उनको पहले जीत गए वो, और जो जनता यूनाइटेड के लेडीज़ थी उनको दोबारा घर से बुलाया गया, वो हार के जा चुकी थी। घर से बुलाने के बाद में रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन उनसे ली गई और रिकाउंटिंग कराने के बाद में कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दिया गया। एक बात, 3-4 सीटों पर जो कम मार्जिन पर थी, कम से कम 5 सीटें ऐसी थी जो कम मार्जिन पर जो 200 और 1,000 के बीच में थी, 700, 500, 300, 500, उनको सबको हरा दिया गया। धांधली की पूरे सारे हथकंडे अपनाए गए हैं और ये से जो महागठबंधन जीत रहा था महागठबंधन को रोका गया। ओबीसी की 22-2 में पूरी तैयारी है, यूपी में चुनाव लड़ेगी तो सपा, क्या लगता है कि सपा उसमें नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल नुकसान होगा। देखिए, मुस्लिम वोट जब डिवाइड होगा, जैसे कि वहाँ हुआ, अब जिस तरह से वो अपना ढोलिए बजाएं कि साहब हमने 5 सीटें वहाँ जीत ली और हमने बड़ा नाम कर दिया, लेकिन तुम नहीं मालूम हरवा क्या दी, इसका सरकार बन गई होती और तुम्हारे वोट ने जो है, तुम अगर यहाँ राजनीति करने आ रहे हो तो राजनीति हो करो, जाकर यहाँ का राजनीति करने आ रहे हो इस तरह की। इस तरह से आप बिहार बंगाल में मुस्लिम और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट को कटवा कर बंटवारा करवा कर हम देखिए तभी हम कामयाब हो सकते हैं। हम 20% हम अगर माइनॉरिटी के लोग हैं, हम 20% किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सरकार को कभी नहीं गिरा सकते, ना सरकार को बना सकते हैं। हम किसी के साथ ही बन के हम जो सेकुलर पार्टी है उनके साथ हम साझा हों और उसके बाद में अपने मुद्दे रखने के बाद में उनको जो है हम सपोर्ट करें, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। वरना इस तरह से जो हर बार भाजपा जो है ये अपनी सरकार बनाती चली जाएगी और हमारे वोट के डिवीजन होते हैं।